अल्हम्दुलिल्लाह बारबेक्यू फ्लेवर में भी आमलेट बहुत ही मजे का बना है। रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फैजान नईम, वेलकम टू किचन विद फैजान। इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ बारबेक्यू फ्लेवर में आमलेट की रेसिपी। ये आमलेट हम ब्लेज के बारबेक्यू फ्लेवर के साथ तैयार करेंगे, बहुत ही मजे की बनेगी इंशाल्लाह और आसान भी है। जो लोग बारबेक्यू लाइक करते हैं उनको स्पेशली ये आमलेट बहुत पसंद आएगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए बारबेक्यू फ्लेवर में हम आमलेट को तैयार करते हैं। प्याज डालेंगे, थोड़ी सी इसमें हरी मिर्च, टमाटर, धनिया, बॉयल एग, बारबेक्यू लेज, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च और बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी। एक अंडा डालेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अंडे को अच्छी तरह फेंटना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आपने एक दो बार इसे फेंटा और आप इसे रेडी करने बैठ गए। अंडे को हमने अच्छी तरह फेंट लिया, अब हम आमलेट तैयार करते हैं। हरी मिर्च, प्याज, टमाटर और धनिए की कटिंग किस तरह से करनी है इसकी मैंने अलग वीडियो बनाई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड स्क्रीन पे भी लगा दूंगा और कार्ड पे भी लगा दूंगा, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। फ्लेम को ऑन करेंगे, नॉर्मल सी फ्लेम रखनी है, ज्यादा हाई फ्लेम हमने नहीं रखनी। 2 से 2.5 चम्मच हम इसमें डालेंगे घी। घी को अच्छे से गर्म होने देंगे और इस तरह से पैन को हम ऑयली भी कर लेंगे। घी हमारा हो गया गर्म, अब हम इसमें डालते हैं अंडा। अंडा डालने से पहले भी हम इसे एक बार फेंटेंगे। और इसे हम फुला देंगे इस तरह से। लेयर्स डालेंगे, ये बारबेक्यू फ्लेवर में लेयर है, और इसे थोड़ा सा प्रेस भी कर देंगे। इसके ऊपर डलेगा बॉयल एग, धनिया, टमाटर, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च। फ्लेम को हम थोड़ा सा और लो कर देंगे। अब यार रे, फ्लेम हाई नहीं रखनी, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। ये आप देख सकते हैं पैन के साथ अंडा बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा। अगर आप इसी तरह से ये ऑमलेट बनाते हैं तो पैन के साथ आपका अंडा बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा, इजीली आपकी ऑमलेट रेडी होगी। अब हम इसकी साइड को कर देते हैं चेंज, और केयरफुली साइड को चेंज करना है। ऑमलेट हमारी रेडी है, अब हम इसे निकालते हैं। इसके ऊपर डालेंगे बॉयल एग, धनिया, टमाटर और थोड़ी सी काली मिर्च। एकदम टेस्टी बारबेक्यू फ्लेवर में हमारी ऑमलेट रेडी हो गई है। अब मैं बारबेक्यू फ्लेवर में ऑमलेट को ट्राई करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बारबेक्यू फ्लेवर में भी ऑमलेट बहुत ही मजे का बना है। रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इस तरीके से आप एकदम टेस्टी बारबेक्यू फ्लेवर में आमलेट तैयार कर सकते हैं लेज के बारबेक्यू फ्लेवर के साथ। ये आमलेट माशाल्लाह बहुत मजे की बनी, रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली मेंबर के साथ। रेसिपी आप सबको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कीजिएगा। इसी के साथ फैजान को दीजिए इजाजत, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।